such as coordinates of a rectangle or the characteristics of an item in an inventory. अगर आप एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो चीजें खास हैं. कोऑर्डिनेट से मुराद क्या होता है? गूगल मैप है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कौन सी पोजीशन पे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन में करती है. देखिए, आप जब कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो गूगल मैप से वैल्यू उठानी है या आपने लोकेशन लेनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या कोई और एनिमेशन करनी, कोई भी आपने टच का कोई सिस्टम बनाना है, तब आपको उसकी प्रोजेक्टाइल चाहिए. आप देखिए, एक वेरिएबल सेफ ओनली सिंगल वैल्यू लेते हैं तो हम कैसे स्टोर करवाते हैं? हमें कुछ और स्ट्रक्चर चाहिए था जिसके अंदर कुछ वैल्यूज अपने तरीके से हम मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं. देखो ना, एक या तो आप हर एक के लिए वेरिएबल बनाएंगे, ये इसकी एक्स पोजीशन है, ये इसकी वाई पोजीशन है, ये इसकी जेड पोजीशन है, इसकी कोऑर्डिनेट ये है, तो उसके बजाय हम उन सब रिलेटेड, असल बात क्या है, यूज टू कैप्चर स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज. इससे मुराद ये नहीं कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें दो चार चीजें जुड़ी हुई, हर एक का स्ट्रक्चर आपने लगा बनाना है. जैसे प्रोडक्ट है उसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोडक्ट में आईडी होगी, नेम होगा, प्राइस होगी, साइज होगा, इसका स्ट्रक्चर. जिस तरह से इनम था उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये भी हम बात करेंगे. अगर हम इसको बुनियादी तौर पे देखें कि इनम और इसके अंदर जो है वो लेके आए. अच्छा, ये जो अभी एक कंफ्यूजन सी थोड़ी सी जेन उठेगी, इनम कहाँ पे है और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, वो अभी हम आगे चलेंगे तो इसको डिस्कशन करेंगे. ज़ाहरी तौर पे हमें दोनों सेम ही लगते हैं कि इनम और वो है. टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट टैग. आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल करना है वो है struct. द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर फॉर योर प्रोग्राम. इसका मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा डेटा टाइप्स उसको डिफाइन करते हैं, मोर देन वन मेंबर ऑफ योर प्रोग्राम. इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी एप्लीकेशन को देखिए तो अगर आपने एक जगह पे स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया है, जिस तरह क्लास डिफाइन कर दिया, तो आप इनको भी दूसरी जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मैंने एक एग्जांपल दी है, जैसे पब्लिक स्ट्रक्ट प्रोडक्ट, इसमें मैंने दिया पब्लिक डेसिमल प्राइस, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग साइज. याद रखना है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं तो वही रहेंगी, हम इसमें इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो मजबूरियां हैं वो अपने हाथ से लगी हुई हैं. इसका मतलब ये कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप्स हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रिमिटिव टाइप से, लेकिन हमारी जरूरतें प्रिमिटिव डेटा टाइप से पूरी नहीं होती, तो उसी चीज को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर. अब फीचर्स क्या हैं जी? यू हैव ऑलरेडी यूज्ड अ सिंपल स्ट्रक्चर नेम प्रोडक्ट. स्ट्रक्चर इन सी शार्प्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ट्रेडिशनल सी और सी प्लस. सी स्ट्रक्चर, सी शार्प स्ट्रक्चर हैज अ फॉलोइंग फीचर. स्ट्रक्चर कैन हैव मेथड, जबकि सी और सी प्लस प्लस में मेथड नहीं. मेथड क्या होता है? फंक्शंस. क्लास में भी तो यही चीज है ना, एट्रीब्यूट भी होते हैं और फंक्शन भी होते हैं. इंडेक्सर्स ये भी पढ़ना है. प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर, मेथड्स एंड यूनिट्स. स्ट्रक्चर्स कैन हैव डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बट नॉट डिस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? वो जो आप ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं, इंटीजर नंबर वन, इस तरह से वो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर नहीं होते. डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि जब आपने, जब आपका प्रोग्राम बंद होता है तो वो ऑटोमेटिकली पहले की जो कंस्ट्रक्टर जो जगह दे रही होती है उसको जाया कर देते हैं. जावा तो ये करता है, लेकिन क्लास भी करती है, लेकिन सी शार्प का कंस्ट्रक्टर नहीं करती. हाउएवर यू कैन नॉट डिफाइन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अ स्ट्रक्चर. आप उसका एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड एंड कैन नॉट बी, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते. दूसरा बनाएंगे वो नहीं कर सकते.
क्या मतलब? अगर ये गलत नहीं, आप नहीं बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड होगी। जैसे आपने चार चीजें उसको कही है, तो वो चार चीजें ऑटोमेटिकली आ जाए। अनलाइक क्लासेस, स्ट्रक्चर्स कैन नॉट इनहेरिट अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लासेस। इनमें इनहेरिटेंस नहीं होती, और ये बड़ा लंबा टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। इनहेरिटेंस के बगैर तो हम काम ही कोई नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस क्या? स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेस फॉर द अदर स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस। ये भी नहीं हो सकता कि आप उसके बेस पे अदर क्लासेस और स्ट्रक्चर बना सकते। स्ट्रक्चर कैन इंप्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस। इस पर भी बात होनी है कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। अगर आप शॉप में आए और एक एप्लीकेशन बनाए, लेट्स सपोज मैंने स्ट्रक्ट टू एग्जांपल बनाई है, यहाँ मैं इसी को खोल लेता हूँ, आप इसको भी देख के बना सकते हैं, इसके साथ साथ चल सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, अभी मैं बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आपकी बेस बनाने का रहा है। अभी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, कुछ चीजें आपके बिल्कुल सरफेस से गुजर रही हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, तो इंटरफेसेस क्या होते हैं जी, इंटरफेसेस क्यों बनाए जाते हैं, ये एक इशू है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। उस वक्त इंटरफेसिस में कहा जा रहा होगा कि आप इसको स्ट्रक्ट बनाएं या आप इसका इनम बनाएं, तो कम से कम इनम और स्ट्रक्ट को समझ गए। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, हमारे सामने चीज़ें जो हैं वो वाजे तौर पर क्लियर होती जाएंगी। अभी मैं ये एप्लीकेशन को खोल रहा हूँ, एंड लेट्स सपोज ये प्रोग्राम है। अभी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, जैसे ये ASP.NET की है एप्लीकेशन, इसमें मैं इंटरफेस भी यूज़ कर रहा हूँ। इंटरफेस कैसे यूज करते हैं वो भी देखते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये मेरे पास एक एग्जांपल बनी हुई है, असल चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो ये है कि आपने स्ट्रक्ट लिखना है। स्ट्रक्चर इज अ वर्ड, उसको जो मर्जी दे दें, दो करली ब्रैकेट लगाएंगे इंडेंट्स में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हैं, लेट्स सपोज राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसके अंदर ऐड करते हैं, अब जैसे यहाँ पे नेम स्पेस का हमें मतलब पता चल गया है, हमें क्लास का मतलब पता चल गया है। अब इसी तरह से कुछ चीज़ें सी शार्प की कोडिंग के अंदर आपको नजर आएंगी, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें इसका इस्तेमाल भी आएगा, इनहेरिटेंस का भी मतलब समझ आएगा, तब हम जाके इन अल्फाज को करेंगे। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट को करेंगे तब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का जो बुनियादी मकसद है वो यही है, आपको स्ट्रक्ट से अवेयर करवाया जाए। जैसे मोर इंटरफेसेस, स्ट्रक्ट कैन इंप्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस, स्पेसिफाइड एज अ एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल और प्रोटेक्टेड, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड एज अ, यानी इसके जो मेंबर हैं आप उनको फाइनल प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, वर्चुअल नहीं कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये तीनों अभी इसको छोड़ा जा सकता। When you create a struct object using the new operator, it gets created and the appropriate constructor. जैसे आप new लिखेंगे तो उसका constructor automatically create हो जाएगा। Unlike classes, struct can be instantiated without using the classes के अंदर, तो new के बगैर तो आप instantiate कर ही नहीं सकते, लेकिन struct में आप new के बगैर भी instantiate कर सकते। If the new operator is not used, the field remains unassigned and the new object cannot be used until all the fields are used. Let's suppose आपने new नहीं इस्तेमाल किया, अब होगा क्या कि आपने पांच values दी हुई थी उसको करने के लिए, use करने के लिए, अब आपका constructor नहीं बन सका। constructor कहते हैं कि जैसे ही आपने पांच चीजें ली ना कि ये है, तो पांच चीजों के constructor बना देगा, तो ये values आपने कैसे ले ली,
जब आपने न्यू का ऑपरेटर यूज ही नहीं किया तो वो पांच के पांच वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में एलोकेशन ही करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको हर एक फील्ड जो भी आपने स्ट्रक्ट में ली है उसको इनिशियलाइज करना होगा। अगर गौर करें तो अभी कंस्ट्रक्टर पे भी इंशाल्लाह हमें डिटेल में बात करनी है। अभी सिर्फ बुनियादी सवाल ये है कि कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्ट का मकसद क्या है। अच्छा अभी अगर यहाँ पे आए और आई थॉट के ये नजर आए, ये जरा गौर करेंगे, ये इंटरफेस है, एन एम्प्टी इंटरफेस डेफिनेशन, विंडो फॉर्म, यूजर कंट्रोल, कंपोनेंट क्लासेस, अबाउट बॉक्स, ADO.NET, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स, क्लास डायग्राम, कर्सर फाइल, कोड फाइल, डाटा सेट, डीबगर्स, ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज क्या हैं, WCF सर्विस क्या होती है, एक्टिविटी कैसे होगी, मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सारी की सारी तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले जरा ऊपर जाके हम सिर्फ देखें तो हमें एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है कि इंटरफेस है, और इंटरफेस का एक निशान है गोल सा होता है। अगर गौर करें तो छोटी सी जगह से लेके आप उसको बड़ा इंटरफेस पे लेके जा रहे हैं। आज का टॉपिक इंटरफेस पे नहीं है, आप स्ट्रक्ट पे। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रक्ट डिक्लेयर करना है, आई कैन डिक्लेयर स्ट्रक्ट लाइक दिस, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रोल नंबर, ये है पब्लिक इंटीजर, फॉर एग्जांपल रोल कर लें, ये मैं इसमें गेट और रिटर्न वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेट कर सकता हूँ। जरा गौर करें कि रोल नंबर के साथ आपने गौर करना है कि ताला भी लगा हुआ नजर आएगा। दो डिफरेंट चीजें, स्ट्रक्ट की पहचान क्या है? अगर फॉर एग्जांपल रिटर्न स्टूडेंट्स, आप उस वक्त पहचान थी दो अलग-अलग का, वो एक था ना इनम, एक से दूसरी लिस्ट बन गई थी। इसके निशान पे गौर करें, ये एक ऊपर मेन है, उसमें से शाखें निकल रही हैं, ऐसा ही है ना, ये दो हैं। इट मीन्स कि आप उसमें से नेक्स्ट और फर्दर मूव कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और इसमें मेथड भी हो सकती है। इनम तो एक कॉपी क्रिएट कर रहा था कॉन्स्टेंट्स की, लेकिन जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जब आप मेथड डिक्लेयर करते हैं देन इट विल बिकम मोर। तो स्ट्रक्ट इज देयर, स्ट्रक्ट की अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है आपने। अगर मैं रोल नंबर ले रहा हूँ, अगर आप गौर करें, अब जरा इधर मेरी बात सुनिए, ये किसने मेरे ख्याल में सवाल भी पूछा था, जरा ये गौर करें, बाइट है तो क्या बना हुआ है, स्ट्रक्ट है, इंटीजर है तो ये क्या है, डबल है तो क्या है, फ्लोट है तो, इट मीन्स कि ये चीज प्रूव हुई कि आपकी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो भी स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, इमारत का बुनियादी ढांचा। हमें पता है कि बाइट, एक बाइट 8 bits लेती है, शॉर्ट जो है वो 2 bytes लेता है, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, स्ट्रक्चर से डिफाइन करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ये प्रोडक्ट है, ये स्टूडेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्ट वी कैन डिसाइड इट। तो जब आपने ये चीज समझनी है कि इंटीजर है तो इंटीजर 16 और ये सब क्या है, आपके नीचे आपको वो बता रहा है रिप्रेजेंट अ 16-bit साइन इंटीजर, शॉर्ट है ये भी है रिप्रेजेंट अ 16-bit साइन इंटीजर, सो दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस।
ये जो अभी आपने फिर रोल नंबर बनाया, ये आपका एक इंटीजर है, दैट वाज अ वेरिएबल। ताला क्यों लगा हुआ है? ये प्राइवेट है, ऐसा ही होगा ना। तो सेम हमने भी यही कहा, गेट और सेट का मकसद क्या होगा, ये बहुत आप ही जानते हैं। देखो आप देखेंगे कि हम जितने भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं, मॉडल एमबीसी करते हैं, हमें हमेशा गेट और सेट की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अगर आप देखें इसको, ये एक एप्लीकेशन में बना रहा हूँ एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की, तो लेट्स सपोज इसमें एक मॉडल देखते हैं, लेट्स सपोज कंट्रोलर, ये मॉडल है। देखो मैं इसको लॉग आउट कर चुका हूँ, अब तुम देखोगे तो आ जाएगा। जैसे ये मेरा ये मैंने एक प्रोडक्ट की क्लास बनाई है, आप जरा गौर करेंगे, ये पब्लिक इंटीजर है, इसमें मैं गेट और सेट के मेथड लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? जहाँ सी बात है कि मैं हर बंदे को अलाउ नहीं कर सकता जो मेरी डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेस कर सकता। अगर मैंने करना है तो फिर मैंने अपने जो वेरिएबल डिफाइंड किए हुए हैं उनको मैंने बचाने के लिए, अपनी वैल्यूज को लेके आने के लिए एक क्लास बनाई है जहाँ पे वो गेट और सेट कर सकते हैं, यानी वैल्यू ले सकते हैं और। सो यही फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे परफॉर्म की। अब यही वाली बात जो आपके साथ है वो डिफरेंस है क्लास वर्सेस स्ट्रक्चर। एक चीज याद रखनी है, आर रेफरेंस टाइप, स्ट्रक्चर आर वैल्यू टाइप्स। इससे क्या मुराद है? डू नॉट स्पोर्ट इनहेरिटेंस, ये पहले भी बात हो चुकी, कैन नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली। सवाल का जवाब है आर रेफरेंस टाइप एंड वैल्यू टाइप, क्या मुराद है? अब यहाँ आए जरा स्ट्रक्ट एग्जाम्पल को गौर से देखें, जरा गौर करें। मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया, मैंने कहा जी कि ये स्ट्रक्ट है, इंटीजर एक्स वैल्यू है, पब्लिक इंटीजर एक्स है, गेट रिटर्न एक्स वैल्यू करेगा और सेट करेगा जी अगर वैल्यू लेस देन 10 हो तो एक्स वैल्यू को आप वैल्यू रिटर्न कर लेंगे, तो जरूर कर 10 से छोटी तो वैल्यू वो रिटर्न कर। एक मेथड बनाया और मेथड देखें किसके अंदर है, स्ट्रक्ट के अंदर। मैंने कहा दी स्टोर्ड वैल्यू इज 0। अब ये क्लास भी बनाई मैंने, क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी पब्लिक इंटीजर के नाम से। स्ट्रक्ट मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, जैसे आम स्ट्रक्चर देना हो तो उसकी एग्जांपल है। ये एक मैंने कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर बना के आपको बताया कि किस तरह से हम इसको फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक क्लास का प्रोग्राम का ट्रैकर है, अभी इसको समझते जाना है। ऊपर मैंने एक क्लास बनाई है, एक मैंने स्ट्रक्ट बनाया। मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बाई रेफरेंस से क्या मुराद है, बाई वैल्यू से क्या मुराद है। क्लास में मैंने स्टैटिक स्ट्रक्ट ट्रैकर बनाया, द स्ट्रक्ट एस है, एस डॉट एक्स इज इक्वल टू 2 है। मुझे बताएंगे ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या चीज है? स्ट्रक्ट ट्रैकर फंक्शन, मैंने जो भी मेथड बनाया ये स्ट्रक्ट है क्या? ये देखें जरा गौर करें, ऊपर मैंने दी स्ट्रक्ट बनाया, इसके अंदर भी मैंने क्या पास किया? एक्स पास किया। दी क्लास के अंदर मैंने क्या पास किया? एक एक वेरिएबल ही पास किया ना, दोनों को मैंने कौन सी वैल्यू दी है? एस डॉट 2, सी डॉट एक्स, एस से मुराद स्ट्रक्ट है। हम अप्रोच कर जाएंगे ना स्ट्रक्ट के जरिए, एस के जरिए मैं उस स्ट्रक्ट तक पहुंच जाऊंगा, देखिए वो आ जाएगा ना एक्स। ये मेरा मेन फंक्शन है, ये गौर करें मैंने क्या लिखा है, एस डॉट एक्स इज इक्वल टू, और एस डॉट डिस्प्ले
तो देखिए पहली वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, मैं इसको चला रहा हूँ। फंक्शन में देखेंगे एस डॉट एक्स की वैल्यू क्या है जी, अगर मैं नीचे वालों को एस डॉट एस कर दूं, अब अगर बिल फर्स्ट मैं इसको 45 करता हूं, देन रिजल्ट क्या आएगा, क्या अच्छा क्या समझ आई है तुम्हें? चलो हम इसको हटा देते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां से अब ले लेते हैं ना, शाबाश। जैसे ही वो 10 की वैल्यू हुई, ये जो कंस्ट्रक्टर था उसका बाय डिफॉल्ट तो कोई नहीं बना हुआ, तो देन वैल्यू विल बी ओके। अच्छा अभी बाय रेफरेंस नहीं समझ आएगा जब तक ये काम नहीं करेगा। लेट्स गो, यहाँ गौर कीजिए, मैंने एक स्ट्रक्ट का बनाया, ये देखिए ये ऊपर वाला मैंने स्ट्रक्ट प्रोडक्ट्स का बनाया था। स्ट्रक्ट में ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रक्ट, द क्लास बी इज इक्वल टू, और दोनों में मेरी बात आपने आपसे मैंने यही कहा था कि दोनों अगर न्यू करेंगे तो इनिशियलाइज होगा। ए डॉट एक्स में मैंने रखा है जी 1 और बी डॉट एक्स में रखा है 4। मैंने स्ट्रक्ट ट्रैकर लगाया ए और क्लास ट्रैकर दिया बी, ए एक्स और बी एक्स को मैंने शो करवाया। मैं नहीं चाह रहा कि आप कंफ्यूज हो, और लेट्स सपोज ये ले, मैंने इसको भी किया। अब मुझे बताएं ए किसको कॉल कर रहे, उसको कर रहे ना स्ट्रक्ट को, दी स्ट्रक्ट को, तो वो वैल्यू यहां आ जाएगी, यहां से इस प्रोग्राम के थ्रू इसमें आ जाएगी। अब बी डॉट एक्स क्या प्रिंट होंगे स्क्रीन के ऊपर, ए डॉट एक्स और बी डॉट एक्स है ना, ए डॉट एक्स को 1 दिया, बी डॉट एक्स को 4 दिया, फिर उनको स्ट्रक्ट में पास कर दिया, इसको क्लास में पास कर दिया, ये पैरामीटर हो गए ना। यहाँ पैरामीटर तो वहां कंस्ट्रक्टर होगा कि नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर ये बना हुआ है दी स्ट्रक्ट एक्स, वैल्यू कहाँ जाएगी मुझे बताएं, स्ट्रक्ट ट्रैकर है ना, स्ट्रक्ट ट्रैकर ये है, इसके थ्रू यहां पहुंच जाएगा ए वन, बेटा क्लास ही बनाया ना, द स्ट्रक्ट है ना, क्लास का फंक्शन कहां का बना हुआ है, फंक्शन हम अप्रोच कर रहे हैं ना स्ट्रक्ट ट्रैकर का, ये इसी क्लास का हिस्सा है, बेटा क्लास प्रोग्राम के अंदर ही लिखा हुआ है। यहां क्या आएगा मुझे सिर्फ आपने ये बताना है, व्हाट यू थिंक, यहाँ 1 और 4 आएगा या 2 2 आएगा?
मतलब वन आ गया उसका एक वापस आए जी। ये बात हो रही है कि वन तो चला गया, चार नहीं जा रहा। चले इसको मैं मान लू, इसको मैं पांच करता हूँ, इसको मैं दो करता हूँ। पांच और दो स्ट्रक्ट वाला जा रहा है, सी वाला नहीं जा रहा। बी देखें, बी है क्या? बी क्लास है ना। अब आपकी बात को मैं कर देता हूँ जनाब। बी क्या कर रहे हैं? तो यही सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। स्ट्रक्ट बाई वैल्यू लेता है, जो हमने आपसे बात की थी। स्ट्रक्ट क्या लेता है? वैल्यू टाइप्स के थ्रू चलता है जो आप उसको दे रहे हैं। और ये किसके थ्रू चलता है? ये वाई वैल्यू नहीं चलता। हुआ क्या? हुआ ये है, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। जब हमने ये स्ट्रक्ट बनाए, हमने कहा जी कि जो भी एस डॉट एक्स होगा उसको दो दे दो, और सी डॉट एक्स को क्या दे दो। अब सी तो यहां से आ रहा है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। ये रेफरेंस टाइप है, ये नहीं वैल्यू चेंज कर रहा। हालांकि इसकी वैल्यू वैल्यू है, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता। हालांकि हमने इनिशियलाइजेशन दो दी हुई है ना, जरा गौर करें ना, हमने इसको दो दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं इसको पांच देता हूँ और इसको आठ देता हूँ। पांच और आठ ही आएगी। देखिए मैंने चार मुंतकिल की है, चार वैल्यू वहां जाके सेट नहीं हो रही, लेकिन मैं जब इसको 15 देता हूं तो 15 स्ट्रक्ट में जाके सेट हो रहा है। तो वो वैल्यू को पिक कर रहा है ना, तो आप वैल्यू जो भी देंगे वो उसको पिक कर लेगा। क्लास रेफरेंस के ऊपर चलती है वो। रेफरेंस हम कैसे देंगे दो वैल्यू? एक बात की बात है, मैं समझाता हूँ आपको। यानी इस तरह से है कि मैं आपके घर नहीं जानता, मुझे एक लोकेशन आप बताते हैं जी, हाउस नंबर 510 पे पहुंच जाए। ये बाई वैल्यू है, मैं 510 नहीं मुझे मिल रहा, तो आप मुझे कोई लैंडमार्क बताएंगे कि आप फातिमा मेमोरियल पहुंच जाओ। बात को समझ रहे हो? वहां से फिर तुम ये करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। दैट वॉज रेफरेंस। क्लास हमेशा रेफरेंस पे काम करती है, जबकि स्ट्रक्ट किस पे काम करता है? उसको इससे नहीं फर्क पड़ेगा। 510 उसने कहना, हो सकता है एक लोकेशन है वो 510 पे पहुंच जाए। वैल्यू से ट्रांसलिंग करनी है, तो फिर कल उन्हीं जाए किसी की भी 510 पे पहुंच जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। स्ट्रक्ट का ये एक चीज इशू। अब जैसे इसको देखें, मैंने एक कोऑर्डिनेट दिया और आप गौर करना है इसमें। एक में मैं वैल्यू लेके जा रहा हूँ, न्यू कोऑर्डिनेट्स, इसमें मैंने कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं की। जाओ जरा आप कर लेना यार, लेके जाओ रिजवान बेटा, इधर ना थोड़ा चुको आके ना नीचे तक। यहाँ देखें जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन है, ये दो वैल्यूज लेके जा रहा हूँ मैं, कॉल डॉट एक्स और कॉल डॉट वाई। कोऑर्डिनेट देखें मैंने कहाँ बनाया, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाया एक्स और वाई के। अब ये वैल्यूज देखें एक्स के थ्रू यहाँ ट्रांसफर हो रही हैं और ये वाई के थ्रू यहाँ ट्रांसफर हो रही है। अब हम चलाते हैं, आप जरा गौर करें, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन दूसरे में वो वैल्यू ले लिया एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू 33। क्यों? दैट थिंग प्रूव्स, जब हमने इसको कोऑर्डिनेट ही नहीं किए तो इसमें कंस्ट्रक्टर तो बना नहीं हुआ था।
बाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है ना ऑटोमेटिकली, तो उसने उसको जीरो जीरो दे दिया। तो यही बात हुई ना, पहले स्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर वो जीरो जीरो इनिशियलाइज कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ तो कोऑर्डिनेट पहुंच गए, यहाँ नहीं पहुंच, तो फिर कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उसके लिए जीरो जीरो असाइन किया। स्ट्रक्चर सिंपल टू यूज एंड कैन प्रूव टू बी यूजफुल एट टाइम, बहुत आसान है जो इस्तेमाल करना आसान है। जस्ट कीप इन माइंड दैट दे आर क्रिएटेड ऑन द स्टैक, एक से किताब रखी फिर दूसरी किताब रखी फिर तीसरी किताब रखी, एंड दैट यू आर नॉट डीलिंग विद रेफरेंस टू दैम बट डीलिंग डायरेक्टली विद दैम। अब आपको उसको ये नहीं बताने के भी पांचवी पोजिशन में पड़ा हुआ है, बल्कि उसकी वैल्यू से हमने बात कर ली। Whenever you have a need for a type that will be used often and is mostly just a piece of data, struct might be a good option. यानी आपको बार बार इस्तेमाल करना है, बार बार आपको वो चाहिए, यानी values there, तो then आप struct को use करें। ये कोड था, अभी मैंने इस कोड को डिस्कशन किया। यही मैम, यू विल नोटिस दैट देयर इज नो चेंज इन द क्लास ऑब्जेक्ट वैल्यू, यही जो मैंने आपसे बात की। अब ये सारी डिस्कशन में आपके सामने करके जा रहे हैं कि किसमें वैल्यू चेंज हो रही है, किसमें हमारे साथ इसकी ऑप्शंस नहीं आ रही, उसकी रीजन हमने आपसे बड़ी थॉरली डिस्कशन कर ली। जैसे ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि वैल्यू बाई रेफरेंस और बाई रीजन। थैंक यू वेरी मच।